हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है। मैं क्या करूँ, मैं पुलिस में हूँ भैया। स्केड्यूल ही कुछ ऐसा हो गया था कि बहुत दिनों से मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था, पर अब फाइनली जाके मुझे थोड़ा समय मिला तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बातचीत की जाए और एक नई वीडियो अपलोड। टेलीग्राम चैनल तो वही, तो जो आपकी जो भी क्वेरी थी मैं उसे वहां तो आंसर कर रहा था। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारे अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप वहां डाल दीजिए, झटपट हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो से मुझे एक क्वेरी आ रही थी कि एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए हिंदी में बुक लिस्ट बताई जाए, तो वो मैंने अपने कुछ सीनियर से पता की है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश की बुक लिस्ट चाहिए तो हमने उसके लिए एक और वीडियो बनाई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी हिंदी की बुक लिस्ट, ठीक है। अब किसी एक बुक में आपको सारा मटेरियल नहीं मिल जाएगा, आपको ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो पोर्शन सिलेबस में दिए हुए हैं वो आपको अलग अलग बुक्स में से पढ़ना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि आप सिलेबस वाइज सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लीजिए, फिर आप देखिए कौन से एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन पे आप अपने प्रॉपर नोट्स टॉपिक वाइज बना लीजिए, तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रिपेयर हो जाएगा। आपको बस वही रिवाइज करना है एग्जाम टाइम, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए। और मैं ये फिर से रिपीट करूंगा कि आप रेडीमेड जो स्टडी नोट्स हैं वेरियस कोचिंग्स के, उनके लिए ना जाए। उनकी क्वालिटी मैंने देखी है, वो बहुत ही पुअर है। उसमें सिर्फ बार बार सेम ही चीज रिपीट की गई है, जिसकी वजह से आपका टाइम खराब होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार बुक लिस्ट को देख लेते हैं। तो पहली हमारी जो बुक है वो है कृषि विज्ञान के मूल सिद्धांत बाय अरुण कात्यायन। ये बहुत अच्छी बुक है और आपके फंडामेंटल्स को ये क्लियर कर देगी। सेकेंडली, जो भी आप यूपीएससी में देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है, जनरली वो 5वें नंबर पे या 8वें नंबर पर रहता है, जिसमें आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो वहां पे जनरली क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं, पढ़ेंगे तो ये आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे। और सेकेंडली, ये हर एरिया को कवर कर रही है। तो आप देखेंगे वो जो शॉर्ट नोट्स में आते हैं ना, वो पता नहीं यूपीएससी वाले कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, आप कई बार वो मिस हो जाते हैं अगर आप एकदम स्टैंडर्ड बुक से सिर्फ पढ़ रहे हैं तो। पर यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ पॉइंट पर, आपने अगर ये अरुण कात्यायन पूरी ढंग से पढ़ी हुई है ना, तो आपके पास कुछ ना कुछ पॉइंट उस पर आ जाएगा, भले एक लाइन हो दो लाइन हो, जिसे आप बड़ा करके लिख देंगे। बहुत कम मार्क्स का ही रहता है, बट आप वो सब यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आप भले दो लाइन लिखे, तीन लाइन लिखे, पर ऐसा नहीं होगा कि आपको वो ब्लैंक छोड़ना पड़ जाए। और आप यकीन मानिए, जब आप मेंस लिख रहे होते हैं तो ये एक तरह से संजीवनी की तरह काम करता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो नोट्स वाले क्वेश्चन पर चले गए, तो उसमें जनरली अगर पांच पूछे गए हैं तो चार तो आपको आ ही जाएंगे। उसके बाद है कृषि एवं प्रौद्योगिकी परीक्षा वाणिज्य, ठीक है। तीसरी हमारी बुक है कॉम्पिटिटिव बुक फॉर एग्रीकल्चर बाय आर एन सुंदर। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारा है घटना चक्र के ओल्ड पेपर्स, ठीक है। और पुराने ईयर्स के जो हमारे मेंस के पेपर हैं, आप उसको कलेक्ट कर ले कहीं से, चाहे आप यूपीएससी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। सॉफ्ट कॉपी में आप पढ़ते हैं तो उसे सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ की फॉर्म में रखिए, वरना वेरियस पब्लिकेशन की बुक आती है, जैसे मैंने देखी एक शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो जनरली आप हिंदी मीडियम से तो इलाहाबाद में किसी से या मुखर्जी नगर में आप मंगा सकते हैं, आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसमें सारे पेपर रहते हैं। उसके बाद हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो भैया जो टॉपिक आपको तो कहीं नहीं मिल रहा है, इसमें प्रॉपर एक इंडेक्स दिया हुआ है। इतनी मोटी सी बुक है, भारी भरकम, देखने में भी अच्छी लगेगी है। तो इतनी मोटी सी बुक है, भारी भरकम, देखने में भी आदमी को लगता है अरे भाई इतनी मोटी बुक पढ़ रहे हैं आप, उसमें इंडेक्स दिया हुआ है। कोई भी टॉपिक, मैं कहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कोई भी टॉपिक जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा है, आप ये इंडेक्स में सर्च कीजिए, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको वो इसमें मिल ही जाएगा। और बहुत बार मैंने देखा है यूपीएससी इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना दोस्तों, इस बुक के अंदर हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर में, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था अबाउट द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स प्रेजेंट इन द गंगेटिक एरिया। तो ये वर्ड बाय वर्ड आपको इस हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर में मिल जाएगा। ऐसी और भी क्वेश्चन है जो यहीं से डायरेक्ट उन्होंने उठा लिए थे, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन है ना, गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है, ये ऑथेंटिक है, इसमें
मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम है। तो डायरेक्टली यहीं से आंसर मिल जा रहा है, यहीं से क्वेश्चन मिल जा रहा है। और जो भी हमें एक चीज तो पता है कि जो भी पेपर सेटर होते हैं जनरली वो सेफ साइड खेल रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पर आपको इसे कभी पूरा नहीं पढ़ना है ना, आप पढ़ पाएंगे, इतनी मोटी बुक है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए और कुछ बार आप नजर मार सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है ना। उसके बाद हमारी ये लास्ट बुक है सस्य विज्ञान के सिद्धांत, कृषि मौसम एवं जलवायु विज्ञान बाय ओपी राजकूत, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सारी बुक्स ले लेनी है और उसके बाद जैसा मैंने बताया था एक टॉपिक, उसके सारे पी वाई क्यूज और उस पे आपको नोट्स बना लेने हैं उन पी वाई क्यूज के बेसिस पे, ठीक है ना। फिर वही आपका मटेरियल हो जाएगा, उसे ही बार बार रिवाइज करना है, इम्प्रोवाइज करना है। डायग्राम्स उसमें आप बनाइए, कोई करंट में कुछ मिल रहा है वो उसमें जोड़िए और उसी नोट से आप पढ़ के पेपर दीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 300+ आप स्कोर करेंगे एग्रीकल्चर में। उसके बाद ये हमारी स्ट्रेटेजी है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी इंग्लिश वीडियो में, पर यहाँ हम हिंदी की बुक लिस्ट शेयर कर रहे हैं तो मैंने सोचा इसे हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, 300+ अगर हमें स्कोर करना है तो सबसे पहले सिलेबस को हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके पी वाई क्यूज लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि भाई ये एक टॉपिक है आईपीआर एंड डब्ल्यूटीओ इश्यूज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, तो हमने आईपीआर पे जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे कुछ सालों के वो लिख लिए। आप ऐसा करिए कि कम से कम 10 साल के क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ठीक है ना। 10 से ज्यादा जानने की बहुत जरूरत नहीं है, 10 साल आईएएस आईएफओएस दोनों लिख लीजिए। स्टेट सिविल सर्विसेज कर रहे हैं तो उसके आप पी वाई क्यूज ले लीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर आपने पी वाई क्यूज बनाए हैं, आपने बुक में से जाके नोट्स बना लिए और उन्हीं नोट्स से आप आंसर बनाइए इन पी वाई क्यूज के। एक हमने 8 पॉइंट फ्रेमवर्क अपने शॉर्ट्स में शेयर किया हुआ है, उसको आप ध्यान में रखिए तो आप एक परफेक्ट आंसर बना सकते हैं जो एग्जामिनर आपसे डिमांड, जो चेकर आपसे डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। आपको एक हाई फेचिंग आंसर कैसे लिखना है ये फ्रेमवर्क आप हमेशा ध्यान में रखिए। 8 पॉइंट फ्रेमवर्क हमारे शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, आपका परफेक्ट आंसर बनकर आएगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, बस नोट्स बन गए, सब कुछ हो गया, अब बस आपको रिवाइज करना है। इसे रिवाइज करते जाइए, रिवाइज करिए, जितना याद कर सकते हैं आप याद करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए टाइम बाउंड मैनर में और उस पर फीडबैक लीजिए। फीडबैक आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, खुद अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं, सीनियर को दिखा सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है जहाँ हम लोग इसे इवेल्युएट करते हैं। आप आंसर लिखिए, क्वेश्चन हम आपको देंगे, शेयर कीजिए लोग और हम सब उस पर अपना फीडबैक आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आगे हम कुछ और भी इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, आप एक चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता लगता रहेगा उसके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लोग बिलीव नहीं करते अपने आप में कि मैं भी 300 स्कोर कर सकता हूँ। लोग सोचते हैं अरे 300 300 कैसे मैं स्कोर कर लूंगा भैया, 300 तो बहुत बड़ी चीज हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सही स्ट्रेटेजी हो तो 300 स्कोर करना एग्रीकल्चर जैसे ऑप्शनल में या किसी भी साइंटिफिक ऑप्शनल में बहुत ईजी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस स्ट्रेटेजी में और अपने ऊपर भरोसा रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट लिखिए, आप सर्टेनली 300+ स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप सर्टेनली 300+ स्कोर करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी क्वेरी हो आप चाहे टेलीग्राम पर लिखिए या इस वीडियो के कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।